उस दिन अपनी अपनी दुकानों पे दिए जलाएंगे, सजावट करेंगे, भंडारे भी चलेंगे। पीछे हमारे लोगों का एक अपना मंदिर है मोहल्ले का, तो हम लोग उसमें एक ग्रुप बना करके सबके रात के डिनर का आयोजन, उस दिन पूजा पाठ अर्चना इस तरीके से, एक बड़ी LED लगा करके उस पर डायरेक्ट मंदिर तक तो आ पाना बड़ा मुश्किल होगा, तो हम लोग जो है वहीं पर उसका पूरा जो है दर्शन करेंगे, पूरा अवलोकन वहीं पे बैठे बैठे करेंगे, पूरा आनंद लेंगे। जी नहीं, ये तो एकदम डिट्टो मॉडल बना हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। और जाहिर सी बात है कि मंदिर जो बन रहा है वो इसका बृहद रूप है, इसका लाख गुना बड़ा होगा। और इस संसार ही जिस देवता जिस भगवान की रचना है निश्चित वो बहुत सुंदर होगा, तो उसका निवास भी जो बन रहा है तो वो बहुत शानदार ही बन रहा है। और कोशिश ही कोशिश है वास्तव में, उतना जितना सुंदर होना चाहिए जितना सुंदर मेरे प्रभु श्री राम है, उतना सुंदर तो संभव नहीं है बना पाना, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश है, लोग जी जान से लगे हुए हैं, हजारों लोग अनवरत काम कर रहे हैं उस पर, और काफ़ी समय से चल रहा है, 2-3 साल हो गया चलते हुए, तो वो उसके अनुरूप निश्चित वो बहुत शानदार और अद्वितीय होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उसका चिन्ह मात्र है और बहुत बढ़िया है। पहले एक समय था हमारे देश से बड़े बड़े जो VIP या जो फॉरेन वगैरह से लोग आते थे उनको ताजमहल हम लोग प्रेजेंट करते थे कि हाँ ये ताजमहल हमारे देश की जो है कई अजूबों में से एक है। अब हमारे लिए यही सबसे दुर्लभ था और अब हम लोग के लिए आसान हो गया इसको लोगों को देना। उस दिन अपनी अपनी दुकानों पे दिए जलाएंगे, सजावट करेंगे, भंडारे भी चलेंगे। पीछे हमारे लोगों का एक अपना मंदिर है मोहल्ले का, तो हम लोग उसमें एक ग्रुप बना करके सबके रात के डिनर का आयोजन, उस दिन पूजा पाठ अर्चना इस तरीके से, एक बड़ी LED लगा करके उस पर डायरेक्ट मंदिर तक तो आ पाना बड़ा मुश्किल होगा, तो हम लोग जो है वहीं पर उसका पूरा जो है दर्शन करेंगे, पूरा अवलोकन वहीं पर बैठे बैठे करेंगे, पूरा आनंद लेंगे। जी नहीं, ये तो एकदम डिट्टो मॉडल बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और जाहिर सी बात है कि मंदिर जो बन रहा है वो इसका बृहद रूप है, इसका लाख गुना बड़ा होगा। और इस संसार ही जिस देवता जिस भगवान की रचना है निश्चित वो बहुत सुंदर होगा, तो उसका निवास भी जो बन रहा है तो वो बहुत शानदार ही बन रहा है। और कोशिश ही कोशिश है वास्तव में, उतना जितना सुंदर होना चाहिए जितना सुंदर मेरे प्रभु श्री राम है, उतना सुंदर तो संभव नहीं है बना पाना, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश है, लोग जी जान से लगे हुए हैं, हजारों लोग अनवरत काम कर रहे हैं उस पर, और काफ़ी समय से चल रहा है, 2-3 साल हो गया चलते हुए, तो वो उसके अनुरूप निश्चित वो बहुत शानदार और अद्वितीय होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो उसका चिन्ह मात्र है और बहुत बढ़िया है। पहले एक समय था हमारे देश से बड़े बड़े जो VIP या जो फॉरेन वगैरह से लोग आते थे उनको ताजमहल हम लोग प्रेजेंट करते थे कि हाँ ये ताजमहल हमारे देश की जो है कई अजूबों में से एक है। अब हमारे लिए यही सबसे दुर्लभ था और अब हम लोग के लिए आसान हो गया इसको लोगों को देना।